सबको लिंक ज्ञान है जी। यस सर। उस ग्रुप पे सब लोग हैं ना जिस ग्रुप पे हम भेजे हैं लिंक? यस सर। ओके okay. कहाँ तक करे थे हम लोग? आर्टिफिशियल कुछ करें क्या? सर एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग तक किए थे। सर अच्छा, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग दोनों हो गया ना? ग्राफ्टिंग लेयरिंग दोनों हो चुका है ना? यस सर ओके, अभी हम बता रहे हैं माइक्रो प्रोपागेशन। सनिधि सार्थक आप लोग का क्लास का है? सनिधि सार्थक, ठीक, +9। कि आप लोग रिमाइंड कर देंगे थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए और लेक्चर अपडेट करने के लिए। 9:10:53। माइक्रो प्रोपगेशन थोड़ा लेक्चर अपडेट कर दे रहे हैं। क्लास 10th ना? कितना तारीख हो गया आज? 20 22nd ना? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ओके okay. चलिए आते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन पे। प्लांट टिश्यू कल्चर सुने हो जी? कौन था ये? क्लास 10th का है क्या स्टूडेंट? ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ राइजिंग। रेजिंग प्लांट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। ऑफ टिश्यू कल्चर फाइन। ठीक है, टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके, फाइन, टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके
पेड़ को उगा देना, पौधों को उगा देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन. ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, 10^-6 मीटर वाले सेल्स होंगे, उसका इस्तेमाल करके एक नए पौधे का जन्म दे देना, पौधे को राइज कर देना, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन. राइट, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी डिस्कस करते हैं. पीटीसी स्टैंड्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर. ओके, स्टैंड्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर सुनेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूटेड प्लांट, ये रूटेड प्लांट. ओके, ये रूटेड प्लांट है और इस प्लांट के पास पत्ते उगे हुए हैं. फाइन, पत्ते उगे हुए हैं इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे करते क्या है, इस छोटे से पौधे के पास, सॉरी, इस एक छोटा सा पत्ता देख रहे हो ना, पत्ते का एक छोटा सा सेक्शन देते हैं, है ना. इस पत्ते का इस्तेमाल करके, है ना, एक नया पौधा हम लोग रेज कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसी की तरह. ठीक है, एग्जैक्ट उसी की तरह. कौन बार बार मैसेज कर रहा है? डिस्टर्ब कर रही है. आई हैव टू डू लाइक दिस टू ईच एंड एवरी वन. डिस्टर्बिंग एलिमेंट. ठीक है, तो बस सोचिए कि एक छोटा सा पौधे का सेक्शन लेके, है ना, हमने एक नया पौधा रेज कर दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर. एक लाइन में हम कहें व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट आउट ऑफ टिश्यू ऑफ अ प्लांट, है ना. सो ये क्या है, ये मतलब कि है क्या, इस प्लांट के पास क्या प्रॉपर्टी है जिसके चलते छोटा सा टिश्यू भी एक नए पौधे को जन्म दे सकता है. हमारे केस में तो ऐसा नहीं होता है, है ना. हमारे शरीर से एक्सीडेंटली कुछ बॉडी पार्ट चॉप ऑफ हो जाता है तो वो पूरा बॉडी को तो जन्म नहीं दे सकता, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा है. यदि प्लांट का कोई भी लिविंग कंपोनेंट बाहर निकल जाए और उसको हम लोग सिंथेटिक मीडियम में डाल दें तो हम एक नए पौधे को रेज कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं किया जा सकता. तो प्लांट के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिससे ये फिनोमेनम पॉसिबल हो रखता है, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी. ठीक है, टोटिपोटेंसी. सो व्हाट इज टोटिपोटेंसी? So totipotency is the property of tissues to give rise to a new plant. ठीक है, अभी इसको भी बंद करते हैं. कहाँ गया? ठीक है, totipotency, it is the property of plant cell to give rise to new plant. ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं टोटी पोटेंसी. फाइन,
ये टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी एडल्ट एनिमल के पास नहीं है। जायगोट सेल को टोटिपोटेंट सेल कह सकते हैं हम लोग, लेकिन हम हमारा एक सेल ले लीजिए, टिश्यू ले लीजिए, उससे हम एक नए रवि सर को जन्म नहीं दिया जा सकता। लेकिन पौधा ले लीजिए, आम का पौधा ले लीजिए, उसका एक पत्ता तोड़िए, पत्ते का एक छोटा सा पोर्शन लीजिए, उस छोटे से पोर्शन से एक नया आम का पौधा आप जनरेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इंटरेस्टिंग है ना ये? दिस इज द एडवांस्ड टेक्निक, बहुत ही एडवांस टेक्निक है। बीज भी ना रहे किसी पौधे का तो हम पौधे को रेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, समझेंगे प्रोसेस, प्रोसेस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। वी टेक सम ग्रीन पोर्शन, सम मेरिस्टमेटिक पोर्शन ऑफ द प्लांट, है ना, ये ग्रीन पोर्शन है, फाइन। हमने क्या करा, इस पौधे को तोड़ा, इस पत्ते को तोड़ा, है ना, इस पत्ते में से हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया, छोटा सा सेक्शन हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। इस छोटे से सेक्शन को हम प्रोनाउंस करेंगे एक्सप्लांट, ठीक है, इसको हम एक्सप्लांट प्रोनाउंस करेंगे। इस एक्सप्लांट को हम पुट करेंगे, ठीक ना, एक मीडियम में, ठीक है। दिस इज पेट्री प्लेट, ये पेट्री प्लेट है, एवरीबडी नोस पेट्री प्लेट, जानते हो आप लोग किस तरीके से होता है। लेबोरेटरी विजिट करे हो कभी, बायोलैब या फिर केमिस्ट्री लैब विजिट करे होंगे, ग्लास का एक छोटा सा प्लेट होता है जिसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, पुकारते हैं पेट्री प्लेट, है ना। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्लांट को हम लोग पेट्री प्लेट में डालते हैं, ठीक है। दिस पेट्री प्लेट इज लेडन विद न्यूट्रिएंट मीडियम। सर, हाँ बोलो सर इस प्रोसेस को करने के लिए लीफ ले सकते हैं कि कोई भी पार्ट्स ले सकते हैं प्लांट का? कोई भी मेरिस्टमेटिक पार्ट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी मेरिस्टमेटिक पार्ट ले सकते हैं, कोई भी, फाइन। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा इस कंटेनर के अंदर देखते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, ये जो टिश्यू आपने यहाँ पे लगा रखा है, ये जो टिश्यू आपने लगाया है यहाँ पे, है ना, ये धीरे धीरे कुछ इस तरीके का रूप लेने लगेगा, इस तरीके का रूप लेने लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कैलस, कैलस बोलेंगे इसको, फाइन, ठीक है। अब क्या होगा, इस कैलस के अंदर हम प्लांट हार्मोन डालेंगे, फाइटो हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे। फाइटो हार्मोन के चलते क्या होगा कि ये कैलस जो है धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा प्लांट, ठीक है, धीरे धीरे देखो प्लांट का रूप लेने लगा, ठीक है, प्लांट का रूप लेने लगा ये धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है आपका पेट्री प्लेट के अंदर ही, और फाइनली ये एक पौधा में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पौधा एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होना है, अपने पेरेंट्स की तरह होना है, फाइन। समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं? देखो हमने क्या कर रखा है, we took explant, explant is the starting material for plant tissue culture, उसको हमने अच्छे तरीके से धोया, है ना, उसको हमने एक मीडियम में डाल दिया, MS मीडिया, मोरासिक स्कूग मीडिया में डाल दिया हमने। उस मीडिया के पास अच्छा खासा भोजन रहता है, हॉर्मोन्स रहते हैं, सॉल्ट्स रहता है, एंटीबायोटिक्स रहता है, उसके अंदर पौधा मतलब कि जो पार्ट है, टिश्यू पार्ट है, जो एक्सप्लांट है, उसके अंदर सेल्स ग्रो करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स ग्रो करेंगे, जिसको हम लोग कैलस कहेंगे, है ना।
उसको फर्दर ट्रीट करेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में, जिससे कितने हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहेगा, है ना, हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहेंगे, फाइनली वो कन्वर्ट हो जाना है एक पत्ते में, एक लीफ में। ओके, तो इस पूरे टेक्निक को हम लोग कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। इस पूरे टेक्निक को हम लोग कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक प्लांट हो गया, ये एमएस मीडिया हो गया, एमएस मीडिया, बस आप लोग जानेंगे सिंपली मीडिया का मतलब, दिस इज कैलस, है ना, इसमें हमने फाइटो हार्मोन डाला, कौन सा फाइटो हार्मोन डाला है हम बताएंगे अभी, है ना, तो सबका मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक प्लांट द स्टार्टिंग मटेरियल The starting material for plant tissue culture, for tissue culture is called explant. ना explant कोई भी meristematic part हो सकता है पौधे का, कोई भी, ठीक ना, any meristematic part. Any meristematic part of the plant can act as exact plant. ठीक है, explant का तरह काम कर सकता है। Now media के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक ना, मीडिया क्या है, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट कंटेंट, या फिर क्या बोलेंगे, ये फूड ऑफ द फूड फॉर द प्लांट, उसको हम लोग मीडिया कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मीडिया, एक कॉमनली मीडिया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है जो यूज किया जाता है वाइडली, मोरासी एंड स्कूब मीडिया, एमएस मीडिया प्रोनाउंस करते हैं उसको। मीडिया हो गया, कैलस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जी सीबीएसई का फेवरेट शब्द है ये कैलस, ठीक है, कैलस इज वॉट, दिस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड था पत्ता, लेकिन जब कैलस बन गया तो वो पत्ता का सेल नहीं कहलाएगा, ना जड़ का सेल कहलाएगा, ना फल का सेल कहलाएगा, ना फूल का सेल कहलाएगा, ठीक ना, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा सेल है, ठीक ना, पौधे का किस पार्ट का सेल है, वी के नॉट से, है ना, तो इसीलिए अनडिफरेंशिएटेड शब्द यूज कर रहे हैं। अनडिफरेंशिएटेड कहने का मतलब मेरिस्टमेटिक सेल है ना, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर होने के बाद ये स्पेशल होगा, अभी इसका फेथ डिटरमाइन नहीं हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड ये WFERENTIATED मास of cell is known as callus. Fine, undifferentiated mass of cell को हम लोग callus कहते हैं. Fine. अब callus के अंदर हम किस प्रकार का hormone डालेंगे? Okay? कि वो callus बनेगा, उसमें rooting होगी, उसमें shooting होगी. For example, this is callus. है ना? तो कैलस को बनाने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन का कंसंट्रेशन सेम रखना पड़ता है, लेकिन हमें इसमें तो शूट भी ओरिजिनेट करवाना है और रूट भी ओरिजिनेट करवाना है ना,
तो कैलस को ओरिजिनेशन करवाने के लिए फाइटोहार्मोन का कंसंट्रेशन अलग है, रूट जर्मिनेट करवाने के लिए फाइटोहार्मोन का कंसंट्रेशन अलग है, शूट जर्मिनेट करवाने के लिए फाइटोहार्मोन का कंसंट्रेशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक ना। इन ऑर्डर, ये क्वेश्चन आता है इस एग्जाम में, इन ऑर्डर टू टू गिव राइज टू In order to give rise to callus, in order to give rise to callus, the explant is treated with equal amount of auxin and cytokinin. ठीक है, auxin और cytokinin इक्वल अमाउंट में होना चाहिए कैलस। फाइन, अब कैलस के अंदर यदि हम रूट ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो वहां पे कुछ अलग कंसंट्रेशन रखेंगे। एंड इफ callus has to grow the root first, the root, then it is treated with, बता चुका हूँ शायद आप लोग को, ठीक ना, क्या है रूट ना, ऑक्सीजन treated with higher amount of auxin, than cytokinin. And for shoot germination, ठीक है, और shoot germination के लिए the concentration of cytokinin should be more. क्वेश्चन आता है जी, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, सबकी समरी कर दे रहा हूँ। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का मात्रा सेम रखेंगे, ठीक है, देन इट विल गिव राइज टू कैलस, ठीक है, कैलस का फॉर्मेशन होना है। फाइन, यदि हम ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रखें और साइटोकाइनिन कम रखें, ठीक है, ऑक्सीजन का मात्रा कम रखें और साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा रखें, तब बनेगा रूट, कैलस के अंदर रूट आएगा। यदि हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रखें और साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा रखें, देन इट विल गिव राइज टू शूट, समझे, है ना, यस, इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे है, कहाँ पे है हम लोग, ये रहा पौधा, ठीक है, ये रहा प्लांट है, यस, टेल मी सर, जब प्लेट में रखेंगे तो फिर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन सेम रखेंगे, और अगर सर उसमें कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो वो रूट में टर्नओवर हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम चाहते हैं कि कैलस के अंदर रूट आए तो हम ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रखेंगे, ठीक है, मेजर करके डालते हैं। कैसे करेगा, फिर शूट तो नहीं होगा ना, क्या क्या
अगर सर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो फिर सूट ट्राइज नहीं करेगा, तो वो कैलस सिर्फ कैलस के पास सिर्फ रूट बचेगा। हाँ, कैलस के पास सिर्फ रूट ही रहेगा, है ना, रूट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बार बार इसको हम चेंज करते रहते हैं, इस कैलस को एक प्लेट से दूसरे प्लेट, है ना, हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद इसको चेंज करते रहते हैं, नए नए मीडिया में डालते रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम रूट ग्रो करवा लेते हैं, उसके बाद शूट ग्रो करवाते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर दिखता कैसे है ये, ठीक है, ये काम हमने करा है लैब के अंदर। इसको कैलस कहेंगे, देख, दिस इज कैलस, देख पा रहे हो, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, इसको कैलस कहेंगे। ये सब कैलस है, ये कैलस है, ठीक है, यस सर। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है ना, यहाँ पे देखो कैलस है, कैलस में धीरे धीरे हमने सेम जर्मिनेट करवाया। जी डायग्राम देखेंगे, जी जी वाला डायग्राम में देखेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करा है, एच में देखेंगे पत्ता आने लगा है ना, इस तरीके से काम किया जाता है। ठीक, ये देखो यहाँ पे देखो कैलस से पत्ते निकल रहे हैं, yes, ठीक ना। तो हर एक शूट को हम लोग अलग करके, है ना, हर एक शूट को अलग अलग करके फिर से हम मिट्टी में डाल देते हैं, और मिट्टी में डालेंगे तो नया पौधा उग जाता है। ये देखो यहाँ पे तरीके से बनाया जाता है इसको, देख पा रहे हो ना, कैलस है, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता गया। के देखो, के को क्या करा हमने आप, ठीक ना, एक्लामेटाइजेशन के लिए हमने पौधे में एक पॉट में डाल दिया, फ्लावर पॉट में डाल रखा है। ये देखो तरीके से, ये मीडिया है जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है वो, उसको मीडिया कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट मीडिया। इसके अंदर ग्लूकोज, ठीक है, एंटीबायोटिक, ये सब चीज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्लांटलेट है, इसको हम लोग हार्डनिंग करते हैं पहले, हार्डनिंग या फिर एक्लेमेटाइजेशन, है ना, एक्लेमेटाइजेशन कहेंगे इसको हम लोग। एक्लेमेटाइजेशन कहने का मतलब कि नॉर्मल कंडीशन से एक कंट्रोल कंडीशन से ड्रास्टिक कंडीशन में आना, उसको हम लोग कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एकदम ही बहुत अच्छा कंडीशन था, सब सुख सुविधा ऐशो आराम सब था, लेकिन सडनली हमें ड्रास्टिक कंडीशन में जाना है, है ना, तो हम नहीं झेल पाएंगे, हो सकता है मर भी जाए ना। तो हम क्या, पौधे पौधे का कंडीशन भी ऐसा होता है, हम लैब में ग्रो करते हैं, सब चीज़ लेबोरेटरी कंडीशन में होता है, तो लेबोरेटरी कंडीशन में बहुत ही इसको नर्स करा जाता है ना, नर्सिंग करी जाती है इसकी। सडनली हम इसको लगा दे खेत में तो ये मर जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हम लोग खिड़की के पास रखेंगे एक हफ्ता, फिर हम इसको ग्रीन हाउस में रखेंगे एक महीना तक, फिर उसके बाद हम लोग मेन एग्रीकल्चर फील्ड में लेके जाएंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हार्डनिंग या फिर एक्लिमेटाइजेशन।
ठीक है, इसको एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे। फाइन फाइन फाइन, हो गया हो गया। ठीक है, ये सबसे एडवांस टेक्निक है। एक चीज हम बता दें कि यदि आप ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना चाह रहे हो, ट्रांसजेनिक प्लांट यदि आप बनाना चाह रहे हो, ट्रांसजेनिक प्लांट कहने का मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर किसी दूसरे पौधे का, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन हो। समझ पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं जी? ये एक ऐसा पौधा है, है ना, ट्रांसजेनिक पौधा है। इस ट्रांसजेनिक पौधे के अंदर, ठीक ना, कुछ डीएनए सेगमेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म का, है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज पोटैटो, पोटैटो, फाइन। इसमें हमने टोमेटो का जीन डाल रखा होगा, है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है ना। ये मान के चलो कि बीटी कॉटन, ये कॉटन है, फाइन, दिस इज कॉटन, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है कॉटन, कॉटन पौधा, ठीक ना। इसके अंदर हमने जीन डाल दिया बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया का डीएनए को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, इस पूरे चीज को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोनाउंस करेंगे, फाइन, जिसके अंदर बैक्टीरिया का जीन डाला हो। तो इस प्रकार के कॉटन को हम लोग कहते हैं बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन प्रोनाउंस करेंगे। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस स्पॉन्जियंसिस, है ना। इस कॉटन के पास एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ रखा है, दैट प्रॉपर्टी इज टू फाइट विथ, ठीक है, टू फाइट विथ लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, है ना, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ऑब्जर्व करा होगा, बैंगन के अंदर कीड़ा रहता है, बैंगन के अंदर, बैंगन के अंदर कीड़ा रहता है, देखो कि नहीं, है ना, यस, ओके। उस कीड़े को रिड ऑफ करने के लिए हमने बीटी ब्रिंजल बनाया, हमने बीटी ब्रिंजल बनाया, है ना। इस ब्रिंजल में हमने एक बैक्टीरिया का डीएनए डाल रखा है, दैट बैक्टीरिया नेम इज बैसिलस स्पॉन्जियंसिस, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। डीएनए के अंदर हम इंसर्ट कर दिए, ओके, ये डीएनए हम बीटी ब्रिंजल के अंदर इंसर्ट कर दिए, ब्रिंजल के अंदर इंसर्ट कर दिए, जिससे इसका नाम बीटी ब्रिंजल हो गया। अब ये ब्रिंजल जो पैदा होगा, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, है ना। उसी की तरह ये जो बीटी कॉटन आया, उसके उस कॉटन को बर्बाद करने वाला जो कीड़ा था, वो कीड़ा लगेगा ही नहीं, ठीक ना। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन, क्यों बता रहे हैं, अगला स्टेप में बता रहे हैं कि हम आपको क्यों बता रहे हैं बीटी ब्रिंजल, ठीक है। कंसिडर, सोचिए ऐसा ब्रिंजल जिसमें कीड़े मकोड़े ना हो, ठीक है। नॉर्मल ब्रिंजल में कीड़े लगते हैं, लेकिन बीटी ब्रिंजल में कीड़े नहीं लगते हैं। देखो जरा, ये देखो, कंपैरिजन देखो जरा, इसमें समझ पा रहे हो डिफरेंस दिख रहा है इसमें? यस सर। क्या डिफरेंस है बताओगे सर? इस वाले ब्रिंजल में जो है, जो नॉर्मल ब्रिंजल है बिना डीएनए वाला, वो सड़ गया, कीड़ा लग गया उसमें, और जो बीटी ब्रिंजल है उसमें कीड़ा नहीं लगा है। हाँ, वो सड़ गया, ठीक ना, दैट इज अटैक्ट बाय, ओके, दैट इज अटैक्ट बाय व्हाट, क्या बोलेंगे,
अरे यार कीड़े मकोड़े से, ठीक है कौन सा कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा ये बता रहा हूँ देख। लैपटॉप तेरा ठीक ना, ये सब इंसेक्ट नहीं लगेंगे, इसका लार्वा ये देख, ये कीड़ा दिखता है बैगन में, देखे हो ये, Yes. तो ये सब नहीं लगेगा एक्चुअली में, ये लार्वा है ना, ये लार्वा है, लार्वा आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है फ्लाई में, ठीक ना, लेपिडोप्टेरा एंड ब्रिंजल। देखो कितना अच्छे तरीके से खड़ा रखा है, देख रहे हो ना, ठीक है तो ये सब नहीं लगेंगे, यदि ब्यूटी ब्रिंजल की खेती करेंगे तो ये सब कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर नहीं लगेगा। रीजन ये है कि ये बैसिलस फ्रांजियंसिस बैक्टीरिया है ना, बैसिलस फ्रांजियंसिस एक बैक्टीरिया है, ये केमिकल सिक्रीट करता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन, क्राइसिन, ठीक है क्रिस्टल प्रोटीन सिक्रीट करता है, क्रिस्टल प्रोटीन सिक्रीट करता है, ये क्रिस्टल प्रोटीन एक्टिव होता है इन कीड़े मकोड़ों के गट में, माउथ में, ठीक है एक्टिव होने के चलते ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो मर जाएंगे तो इन्फेक्शन कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, इन्फेक्शन मीन्स तो सड़ाएगा नहीं, ठीक ना, ये सब चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो डीएनए है ना, जो डीएनए है ये डीएनए की इंसर्शन हम करते हैं इस पौधे के अंदर इस पार्टिकुलर स्टेज में है ना, कैलस वाला स्टेज में हम फॉरेन डीएनए की इंसर्शन करते हैं इन ऑर्डर टू मेक ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, वी इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू अ प्लांट एट कैलस स्टेज, ठीक है फॉरेन डीएनए is inserted at this stage, ये आप लोग जानोगे एस डी ए, ठीक है मास्टर्स में ग्रेजुएशन में भी जान सकते हो है ना, मास्टर्स में जानोगे डिटेल में, ग्रेजुएशन में जानोगे डिटेल में, क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत, 11 बोल रहा हूँ 12 में थोड़ा जानना होगा है ना। चलिए ये ख़त्म करते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट आई विल मूव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मूव करते हैं, इसके लिए हम दूसरा पेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ओके कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है, कुछ
पहले प्लांट डिस्कस करते हैं, देन विल कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। गैमेट बनता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग कहते हैं फ्लावर। द गैमेट आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लावर कहेंगे। So here I'm going to make the diagram of flower. Flower is a modified shoot. Recording mein hai na ji lecture? Yes sir. Flower is modified shoot. Okay, yaad rakhenge flower ka definition. Flower is modified shoot. And the blooming of flower is called anthesis. ठीक है, एंथेसिस कहेंगे, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर को एंथेसिस कहते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक द फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहा हूं मैं यहाँ पे। कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, किसी को ऐसे ही रहने देते हैं।
ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तरीके से है ना, ये कंप्लीट फ्लावर हो गया। ठीक है, चलिए इसको क्या गलत कहते हैं देखते हैं। दिस इज कॉल्ड पेटल, इसको हम लोग कहेंगे सेपल। ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एंड्रोशियम। और इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। ठीक है, डायग्राम बना लिए। दिस इज डायग्राम फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ये। चलिए एक मिनट फ्लावर को, हाँ बना लो जल्दी बनाओ। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। चलो, फ्लावर को यदि क्लासिफाई करने की कोशिश करें, फ्लावर पार्ट्स को, तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, इसेंशियल हॉल एंड नॉन इसेंशियल हॉल। फ्लावर पार्ट can be classified into two parts, essential hall and non-essential hall. ठीक है, इसेंशियल होल कहने का मतलब वो होल होंगे जो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक ना, द गैमेट फॉर्मिंग, तो कुछ थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग कर सकते हो क्या ऐसा जो मैंने अभी किया है यहाँ पे? ठीक है, इट इज दैट होल which produces gamete. है ना? So it includes androecium and gynoecium. ठीक है, दो essential hole होते हैं, it is two in a number.
ठीक है, वन इज एंड्रोशियम, एंड दूसरा इज डायनोशियम। नॉन एसेंशियल होल ये कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है, दीज आर एसेसरी, एसेसरी होल विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी ठीक है विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी गैमेट, है ना। तो ये होते हैं, दीज आर पेटल्स एंड सेपल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पेटल्स, collection of petals, petals petals are called, क्या बोलेंगे जी, corolla, ठीक है। and the collection of sepals को कहेंगे हम लोग calyx, collection of sepals are called calyx, ठीक है। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, कैलेक्स। कैसे डिनोट करते हैं इसको, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसका फंक्शन क्या है, कोरोला का फंक्शन, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, कलरफुल होता है, एंड कलरफुल और अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, ठीक है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है अपने पास फर्टिलाइजेशन के लिए। कैलेक्स इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, है ना। ग्रीन कलर का है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस इज द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ दिस पार्ट। फाइन, बिसाइड दिस, जब तक फ्लावर की ब्लूमिंग नहीं हुई है तब तक ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर, फाइन, it protects the flower in bud stage, ठीक है, फाइन। इसको खत्म करते हैं यहीं पे, आते हैं हम लोग यहाँ पे एंड्रोशियम पे, एंड्रोशियम पे आते हैं। तो एंड्रोशियम है क्या एक्चुअली में, एंड्रोशियम इज, ठीक है, एंड्रोशियम इज द मेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, the male structure of flower, fine। तो देखेंगे क्या क्या present है इसके पास, इसके पास present है filament, ये है anther, यह stalk, या फिर इसको आप base बोल सकते हो, कुछ भी नहीं बोलोगे तब भी चलेगा, anther, ठीक है। एंथर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, एंथर है ना, ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन्स बनाता है, इज दैट स्ट्रक्चर, विच प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, है ना, पोलन ग्रेन बनाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन
दैट इज इसको हम लोग कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट. ठीक है, इसको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. पोलन ग्रेन अभी मेल गैमेट बनाने वाला है. पोलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट, मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर बनेगा. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं पोलन ग्रेन का. ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर पोलन ग्रेन. फाइन, ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का. ये रहा, ओके, ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का. तो इसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल, और ये हम फिगर बना रखे हैं किसका, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट बोलिए. मेल गैमेटोफाइट, फाइन, ओके. अभी स्पर्म सेल्स नहीं बनाए, फाइन. दिस जनरेटिव सेल इज गोइंग टू फॉर्म मेल गैमेट. जनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल अंडरगोस मियोसिस, सॉरी माइटोसिस, एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट, मेल स्पर्म. ठीक है, ध्यान रखेंगे. ओके, चलिए, ये हो गया एंड्रोशियम. नेक्स्ट मैं डील कर रहा हूँ गाइनोशियम. ठीक है, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है. ठीक है, ये हो गया गाइनोशियम. इस प्लेटफॉर्म को हम लोग कहेंगे स्टिग्मा. इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे स्टाइल. और इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे ओवरी. फाइन, दिस ओवरी हैज वन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल कहेंगे. दिस इज द फिगर फॉर गाइनोशियम. ये गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है ना. यहाँ पे हम बना रहे हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज ओव्यूल. इस ओव्यूल के पास कौन से सेल्स होते हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं. ठीक ना, यहाँ पे तीन सेल्स इस तरीके से होंगे, फिर यहाँ पे दो सेल्स ऐसे होंगे, और एक सेल कुछ इस तरीके से होगा. और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल. एंड दिस सेंट्रल सेल हैज टू न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है. फाइन, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सेक. दिस फिगर इज नोन एज एम्ब्रियो
दिस डायग्राम इज नोन एज एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। फाइन, यहाँ पे इन सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, है ना। इन दोनों को कहा जाएगा सिनर्जिड, इसको कहेंगे हम लोग एग सेल, एग सेल दैट इज हैप्लॉइड, ठीक ना, हैप्लॉइड है। और इन दो न्यूक्ली को कहा जाएगा पोलर न्यूक्ली, पोलर न्यूक्ली कहेंगे। और इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल कहेंगे इसको। फाइन, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं चलाजल एंड, इस पोर्शन को चलाजल एंड कहेंगे और इस पोर्शन को कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, one end is called chalazal end and the another end is called micropylar end। ठीक है, ये structure बनाओ जरा और हमें दिखाओ, ये diagram बना के अभी हमें दिखाएंगे। हेलो, यस सर, ये diagram बना के दिखाओ हमें अभी। बना के दिखाओगे जी डायग्राम जल्दी से? ये वाला डायग्राम, दोनों डायग्राम सर सेंड करना है? हाँ हाँ भेजोगे, मैं देख करूंगा। कर दिए सेंड ग्रुप में। किस पे भेजो सर? क्लास 10th ग्रुप। लेबलिंग करे हो?
यस सर। अवेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अवेल विल डू। तीन यस सर। एंटी पोडल सेल्स है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। सिग्मा स्टाइल एंड ऑल में हाँ, ठीक है, सबका फंक्शन में बताऊंगा, सिग्मा का फंक्शन क्या है, स्टाइल का फंक्शन क्या है। हाँ, स्टाइल का फंक्शन क्या है, ठीक है, स्टाइल एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल पोर्शन ये पैसेज प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए। क्या होता है पोलन ट्यूब, आई डिस्कस लेटर। अरे यार स्टाइल लिखना नहीं, सिग्मा है यहाँ पे, सॉरी। स्टिग्मा पहला कौन खाया, प्रोवाइड द पैसेज फॉर, प्रोवाइड द पैसेज फॉर the growth of pollen tube. ठीक है सब बताएंगे हम, अभी डायग्राम किसने बना के भेजा है मुझे। एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल, सिनर्जी PYL आ रहा, हाँ ठीक ठीक है ठीक है। और इस डायग्राम को रिफाइन करना चाहे तो आप रिफाइन कर सकते हो, फाइन है ना, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से। इसको हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है, फाइन, इसको हम लोग इंटेगुमेंट कहेंगे। इंटेगुमेंट समझना है तो आप ऐसा समझें कि जैसे बीज होता है ना, तो बीज की आउटर कवरिंग होती है, चना है, चना का आउटर कवरिंग होता है, दैट आउटर कवरिंग इज बिकॉज ऑफ इंटेगुमेंट। ठीक है, स्टाइल प्रोवाइड द पैसेज फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, फाइन, हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं आज का लेक्चर, अगले क्लास में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम, फाइन, मिस नहीं करेंगे अगले क्लास को। आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, दिस इज 22nd ऑफ सेप्टेम्बर 2020, फाइन, मैं भेज रहा हूँ आप लोग को, तो रिवाइज करके आएंगे, फाइन, डोंट कम एज इट इज। मैंने लेक्चर अपडेट करा, लेक्चर अपडेट करा कि नहीं करा जी मैंने, यस सर,
सबको सब ग्रुप है ना इसमें, सब लोग है ना इसमें सर, मिला आप लोगों को टेंट एरिट बैच का अलग है ना, तो सब इसमें है सर। टेंट बायोलॉजी डाउट लिखा है ना इसमें, सब लोग है क्लास टेन में है या क्लास टेन में सब लोग है, क्लास टेन टेंथ बायोलॉजी डाउट लिखा हुआ है ना उसमें सब लोग है। फाइन, तो पढ़ के आएंगे हम लोग, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ।